आयुर्वेद के इस गहन विज्ञान के रहस्यों को सरल शब्दों में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने चर्चा की कि किस तरह से जो बहुत सारे जो वेग होते हैं उनको हमको धारण नहीं करना चाहिए। ये तो अधारणीय वेगों की बात हुई, अब हम बात करेंगे नियंत्रण करने योग्य जो वेग हैं, यानी कि कितने सारे ऐसे वेग भी हैं जिनका हमें प्रयास से धारण करना चाहिए। अधारणीय वेगों को धारण करने से जहाँ बीमारियाँ होती हैं, वैसे धारणीय वेगों को यदि धारण नहीं करेगा तो बहुत सारी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। और संभवतः यही दोनों चीज़ के लिए, यदि आप पूरे योग शास्त्र की बात करें, पूरे हमारी साधना की और संपूर्ण आध्यात्मिकता की बात करें या सारे धर्मों की बात करें, तो हमको ये बात समझ में आती है दो ही चीज़ मुख्य रूप से हैं कि जिनको जानने के लिए ये सारे शास्त्रों का निर्माण किया गया है, शास्त्रों का वर्णन किया गया है, वहाँ पर हमें विधि और निषेध दो ही बातें की जाती हैं। विधि और निषेध का अर्थ यही हुआ कि ये मेरे को करना है, ये मुझको नहीं करना है, ये हमको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विधि है वह पारिवारिक रूप में, विधि है वो सामाजिक रूप में, विधि है वो राष्ट्र के रूप में, विधि है वो धर्म के रूप में। इसी तरह से निषेध है वो परिवार के रूप में, निषेध है वो समाज के रूप में, निषेध है राष्ट्र के रूप में, निषेध है मानवता के रूप में। तो विधि और निषेध की जब बात करते हैं तो उसमें से जो महत्वपूर्ण है वह वेग ही है, उनको धारण करना है या नहीं करना है। इन्हीं वेगों की बात करें, जितने भी जो शरीरगत जो वेग हैं वह अधारणीय वेगों के अंतर्गत गिने गए हैं। परंतु यदि आप जाते हैं मानसिक और आध्यात्मिक रूप में, बहुत सारे ऐसे वेग हैं जो हमको धारण करना जरूरी है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से हम समझ लें कि जैसे हमारे योग धर्म के अंदर, धर्म शुरू यहीं से होता है कि महर्षि मनु कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्तम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी ये 10 धर्म के लक्षण हैं, यानी कि धृति क्षमा दम अस्ते, ये सब धारणी वेग हैं। यानी जितना भी जो धर्म है, धृति धैर्य ये धारणी वेग है, क्षमा ये धारणी वेग है, दम इंद्रियों का निग्रह ये धारणी वेग है, यानी कि जितने भी जो शास्त्रों के अंदर जो धर्म के लक्षण मनु महाराज ने गिना दिए हैं हमारे लिए, वो सारे धारणीय वेग तो हैं। यदि हम जाते महर्षि पतंजलि की तरफ तो वो कहते हैं कि यम क्या है, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ये जो है ये क्या है, ये सब धारणीय वेग हैं। यानी इसके जो विपरीत है वो अधारणीय वेग हैं। फिर कहा सोच संतोष तप स्वाध्याय स्वर्ण परिधान, जो नियम जिसको हम कहते हैं, यह भी तो हमारे लिए धारणीय वेग है। शौच ये धारणीय वेग है, शुद्धि शुद्धि होनी चाहिए, अशौच यानी कि मल मूत्र आदि से जो हम गंदगी में पड़े रहते हैं, ये अधारणीय वेग है। यानी कि जो भी अच्छा है, जो भी आपके लिए शुभ है वह धारणीय है, जो भी आपके लिए हानिकारक है वह अधारणीय है। तो इसको आपको समझना है, तो हम यही आपको प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके लिए जो अशुभ है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब छींक है, हम उसको इस रूप में तो अशुभ मानते कि छींक आ जाए तो अशुभ है। अरे भाई, छींक आना अशुभ नहीं है, छींक को रोकना अशुभ है, ये आप समझिए। तो कई बार परंपराओं में, प्रकृति में, हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों में कभी कभी कुछ बात का कहीं चीजें पहुंच जाती हैं। तो इसलिए हमने आपको बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से 13 वो विशेष कर करके, क्योंकि वो शरीर से संबंधित हैं, शरीर से जुड़े हुई जो चीज़ें थी उनमें से जो 13 वेग थे उनको अत्यंत अधारणीय माना गया है। यदि उन वेगों का धारण करते हैं तो विविध तरह की हानि होती है, ये भी बताया गया है। इसी तरह से कुछ प्रवृत्तियां हैं, उनको कहा गया कि यह बहुत ही ज़रूरी है कि जिनको हमको धारण करना जरूरी है। इसी प्रकार जिन वेगों को, प्रवृत्तियों को, जैसे कहा ना कि लोभ है, लालच है, भय है, क्रोध है, शोक है, ईर्ष्या है, अहंकार है, निर्लज्जता है, आसक्ति है, इनके अधीन होकर के जो आदमी काम करता है ना, उस मनुष्य को जो है कभी भी बहुत मानसिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इन सब वेगों को अधारणी वेग कहा, यानी लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, शोक, ये सब कहा कि यह इन चीज़ों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। तो ये आप ध्यान दीजिए, आदमी गुस्सा करता है, अब गुस्से का धारण नहीं करने का अर्थ क्या है कि हम दूसरों को क्या गुस्सा करें? गुस्सा का धारण न करने का अर्थ यह है कि गुस्से को पैदा ही ना होने देना। ईर्ष्या का धारण करने का अर्थ क्या है कि हम ईर्ष्या को, हम दूसरों को इस ईर्ष्या करें?
दूसरे के प्रति अहंकार करें, नहीं, यह उत्पन्न ही ना हो। यानी कि शोक, ईर्ष्या, अहंकार, इनको तो उत्पन्न होना ही नहीं देना है। तो इसको भी आप हम तीन कैटेगरी के ढंग से समझ सकते हैं। एक तो चीज़ों को हमको जीवन में सामना करना ही पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि मल मूत्र आदि विसर्जन हमको दिन में करना ही पड़ेगा, परंतु उनको धारण नहीं करना एक ऐसी चीज़ है जिनको उत्पन्न होना ही ना देना। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये समझिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें उत्पन्न ही नहीं होने देना है। इसमें जो मानसिक जो आवेग हैं, मानसिक जो उद्वेग हैं, मनोजन्य जो विकार हैं, उनको उत्पन्न ही नहीं होने देना। यानी कि प्रत्येक मनुष्य को शांत और सुखी जीवन के लिए इस तरह के मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो वेग हैं, अनुचित कर्म और अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, हमको नियंत्रण में रखना चाहिए। यानी कि उनको नियंत्रित करना चाहिए, उनको हमको एक तरह से हम उनको धारणीय वेग भी कह सकते हैं। यानी कि हमको यदि वो उत्पन्न हो जाते हैं तो वो बहुत हानि पहुंचाते हैं, तो इसीलिए उनको धारणीय वेग कहा गया। यानी कि निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, हालांकि ये धारणीय वेग नहीं है। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि यह क्या इनका धारण करना चाहिए, मैं कहूँगा कतई नहीं धारण करना चाहिए, इनको तो उत्पन्न ही नहीं होना देना चाहिए। यानी कि ये वो वेग हैं जिनको उत्पन्न ही नहीं होना देना चाहिए। तो इन वेगों में से हालांकि बाकी वेग तो कभी ना कभी समय पा करके उत्पन्न भी हो जाए, इतने हानि नहीं करेंगे, पर ये तो खतरनाक रूप से हानि करते हैं। तो ये जो धारणीय वेग की हम बात कर रहे हैं, उनको हम तीन भागों में जैसे बांट सकते हैं। विशेष करके जैसे मन के वेग हैं, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो ये ईर्ष्या द्वेष क्या है, जैसे हम जलते रहते हैं कि दूसरे ने देखा, ओहो उसकी तो ये उन्नति हो गई, उसने तो ये पाया, उसने तो ये कर लिया, उसके तो यूं पूछ है, उसको तो यूं मानते हैं, ये देखो दूसरे लोग उसके पीछे यूं चलते हैं। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, ये जो खतरनाक जो चीजें हैं ना, दूसरे की प्रसन्नता को देख करके जो जलने वाली जो स्थिति है, जो ईर्ष्या और जलन है ना, ये जलन बहुत दो बातें हैं। यदि मैं इनको कहूँ कि ये धारणीय वेग है तो तुम जलन करते रहो, उसका धारण से तुम्हारा सत्यानाश होगा। मैं अधारणीय वेग कहूँ तो तुम जाकर दूसरे से फाइटिंग करो तो नुकसान होगा। तो इसको उत्पन्न न होने देना ही लाभकारी है। यदि कभी कभी मन में उत्पन्न हो जाए तो इस ऐसी ईर्ष्या द्वेष वाली बात को थोड़ा रोक करके रख लेना। पहले तो उत्पन्न मत होने देना, उत्पन्न हो जाए तो थोड़ा सा सहन कर लेना। इसी तरह से मत्सरता, दूसरों को दुखी देख करके जो है ना प्रसन्न हो जाना, देखते हैं देखो क्या मुसीबत में है, क्या परेशानी में है। इस तरह की जो हमारे अंदर की जो कलुषित जो संस्कार हैं, जो कलुषित भाव आ जाए, तो ऐसे भावों को मत आने देना, और यदि आ जाए तो उनको प्रकट मत होने देना। यानी पहले तो उत्पन्न मत होने देना, उत्पन्न न होने देना तो सर्वोत्तम स्थिति है। यदि कभी उत्पन्न भी हो जाए तो दूसरे को प्रकट करा करके, दूसरे को पीड़ा दे करके दुखी मत करना, उनको जरूर रोक लेना। धीरे धीरे रोकने की आदत डालोगे, थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो ईर्ष्या द्वेष आदि से भी आप बच जाओगे। तो इसी तरह से राग विषयों में आसक्ति है कि वो मेरे को ये चाहिए, मैं ऐसा करूं, मैं ये करूं, इस तरह की जो स्थिति है, इन चीज़ों से भी आपको बचना है, इनको बाहर प्रकट कराने से रोकना है। तो इसको जो धारणीय वेग जिनकी हम बात कर रहे हैं, वस्तुतः ये धारणीय वेग नहीं है, ये धारण नहीं करोगे तो ज़्यादा नाश हो जाएगा, यदि पैदा हो जाएंगे तो भी नाश तो करेंगे ही। तो अब आपके ऊपर निर्भर है, या तो आप उनको पैदा मत होने दो तो पूर्ण आनंद में रहोगे। तो सारे योग शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, सारी साधना, सारे उपाय, वो तो उत्पन्न होना ना देने के लिए है। वो कहते कि ऐसी चीजें पैदा ही मत होने दो, ये राग द्वेष आदि की उत्पत्ति ही दुख का कारण है। उत्पत्ति होगी तो पहले हम कहते हैं ना मनसा वाचा काया, इस तीन तरह से हम कर्मों को करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले उत्पन्न ही नहीं होने देना, वो हमारे मन में ही नहीं आने देना। मन में आएगा तो कभी ना कभी वाणी में निकलेगा, वाणी में निकलेगा तो कभी ना कभी तुम उस कार्य में प्रवृत्त हो जाओगे। तो मन में ही ना आने देना ही सर्वोत्तम है। इसी के लिए शास्त्र है, इसी के लिए मैंने बार बार कहा कि जितने भी धर्म और आध्यात्मिकता, और दूसरी बड़ी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, आपने वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए, पर आपकी वाणी और व्यवहार के अंदर यदि दोष और त्रुटिपूर्ण है, वो सारे शास्त्रों का अंत वाणी और व्यवहार और आचरण को ठीक करने के लिए, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लेना कि वह आपने, इसके विषय में हम और आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से। तो सबसे पहला है मन की स्थिति में,
पहले जो आपके मन में आएगा तो वो वाणी में जाएगा। तो मन में आने से पहले यानी कि जो इतने भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन सब को मन में मत आने दो। यदि मन में आ गए हों तो मन के वशीभूत होकर के उनके द्वारा कोई कार्यों में आप प्रवृत्त मत हो जाइए। उसको रोकिए, क्योंकि वह आपकी भी हानि करेंगे और दूसरे की भी हानि करेंगे। और शास्त्र आदि पढ़ने का, धर्म आचरण करने का उसका भी यही प्रयोजन है कि आपकी वाणी और आपका व्यवहार और आपका मन, विशेष करके पहले मैं बात कर रहा हूँ मन की, मन में चीज़ें कंट्रोल रहे। दूसरे फिर इसके बाद हम बात करते हैं वाचिक, वाणी के वेग के विषय में, कि कई बार आदमी होता है एकदम थोड़ी सी बात हो गई सहन नहीं होता, वो अनशन बक देता है, बाद में उसके जो परिणाम है बहुत ही दुखदायक हो जाते हैं। कठोर वचन बोलना, कुछ इतने कड़वा बोलते हैं कि आदमी भी उनके सामने जाने से भी बचने का प्रयास करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अनावश्यक अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कहानियां सुनाते रहेंगे, ये सुना दो वो सुना दो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हमने देखा कि वो इतनी अपनी बड़ाई करेंगे, अब मेरे को तो सब कुछ पता है, मेरे को तो सब कुछ आता है। नहीं, वाणी का दोष है, ये खतरनाक है, इससे बोलिए, इसको रोकिए, बोलने से बचिए, दूसरे की सुनने की आदत डालिए। दूसरा कुछ कह रहा है, दूसरा बता रहा है, आप उतना ही बोलिए, आपकी बुद्धिमत्ता इसमें है कि जितना जरूरी है आप उतनी ही बात करें, न तो अधिक। कुछ लोग ऐसे होते बोलते ही नहीं है, पूछो भाई बता तो दे, बताता ही नहीं, ये भी भयानक वाणी का दोष है। यानी कि जितना अधिक बोलना भयानक दोष है, न बोलना भी दोष है। तो कितना बोलना है, यदि कितने मधुरता से बोलना है या कितनी नम्रता से बोलना है, कितना वाणी का व्यवहार करना है, यह भी बैलेंस रखना चाहिए। यह हमारा धारणीय वेग में हमने इसलिए इसको गिनाया है कि धारणीय वेग का अर्थ यह है कि अनावश्यकता को छोड़ें, जितना जरूरी है उतना ही करें, उतना ही धारणीय है। इसमें अति भी अधारणीय है और बिल्कुल न होना भी अधारणीय है। तो एक ही बात को बार बार बोलना, चुगली करना लोगों को, कई बार बातें कुछ चल रही है, प्रसंग कुछ चल रहा है, चर्चाएं कुछ हो रही हैं, पता चला कि भाई बीच में और कुछ कहानी लेकर के बैठ गया, इस तरह के नहीं, समय के हिसाब से ना बोलना। कई बार ऐसा दिखता है कि आदमी जिन विषयों पर चर्चा हो रही है, जिस सब्जेक्ट पर बात हो रही है, उसकी जगह पर और कोई अप्रासंगिक लेकर के और कहीं ना कहीं कोई बातें करने शुरू कर देता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमको बचना चाहिए। तो ये हमने आपको कहा मानसिक और वाचिक, ये दो जो वेग हैं, मानसिक वेग पहले उत्पन्न न हो, हमको इसके लिए प्रयास करना है। फिर मानसिक वेग उत्पन्न नहीं हो, ये बड़ी बात है, तो आप समझिए कि वाचिक वेग बहुत कम उत्पन्न होंगे, यानी मानसिक स्थिति पर ही हम उसको उत्पन्न न होने दें। वेगों को उत्पन्न न होने देना ही आध्यात्मिकता है। वेगों के विकारों को उत्पन्न न होने देना, ये जो इतने विकार हैं, जो विकार हैं वो उनको उत्पन्न न होने देना ही ये आध्यात्मिकता है। तो ये मानसिक जो विकार हैं, क्योंकि ये उत्पन्न हो जाते हैं तो ये वेग के रूप में हमको प्रताड़ित करते हैं। जब वेग के रूप में प्रताड़ित करते हैं तो हम फिर उसके द्वारा व्यवहार करने लग जाते हैं। कई बार हम वाणी से भी दोष कष्ट पहुंचाते हैं, कई बार अपने जो ईर्ष्या राग द्वेष आदि, वो जब हमारे मानसिक रूप में जब चीज़ें स्थित होती हैं या वाचिक स्थिति होती हैं तो उस समय पर उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। पर जो शारीरिक वेग, जब हम शारीरिक वेग क्या है कि एकदम गुस्सा आया, मार धाड़ करना शुरू कर दिया, किसी को मारना पीटना शुरू कर दिया, किसी तरह से जो चोरी जारी, हिंसा, बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये सारे ये शारीरिक वेग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो शारीरिक वेग हैं, ये वेग, इसमें हम शारीरिक वेग में जैसे हमको स्फूर्ति है, ताजगी है, बहुत ऊर्जा है, ये सारे शारीरिक वेगों को हम लाभकारी मान सकते हैं। सारे वेग धारणीय वेग हो सकते हैं, जो अच्छे वेग हैं उनको तो धारण करना चाहिए। वस्तुतः ये अधारणीय, यानी कि इसका जो प्रभाव है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमने इसको, हमको धारण करना है कि नहीं करना है, यानी ये वेग धारण करें, यानी कि मार धाड़ काट वाली वेगों को यदि हमने धारण करा, यानी कि अपने को कंट्रोल करना, धारण का अर्थ ये नहीं कि हम जो है ना इन प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो जाना, यहाँ थोड़ा सा फर्क है, इसको आप समझिए।
यानी धारणीय वेग का अर्थ ये हुआ कि इन कार्यों को हमको अपने अंदर आने से अपने आप को ही कंट्रोल करना है, अपने आप को ही रोकना है। यदि हमने अपने आप को नहीं रोका, इस प्रवृत्तियों से हमने अपने आप को नहीं बचाया, तो वो जो वेग है वो जा करके समाज के अंदर कलह उत्पन्न करेंगे, समाज की ताना बाना को छिन्न भिन्न करेंगे, समाज की विकृतियों को पैदा करेंगे। तो इस तरह से ये जो तीन वेग कायिक और मानसिक जो वेगों की हमने बात की, तो ये जैसे आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, चाहे वह महर्षि मनु हैं जिन्होंने धर्म के लक्षण बताया, उन्होंने इसीलिए कहा कि इन वेगों को आने ना देने के लिए हमको क्या करना है, धृति, क्षमा, दम, स्थेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, इन सब के द्वारा ये वेग हमारे शरीर में हमारे मन को उद्वेलित नहीं करेंगे। यदि वेग आ भी गए हैं तो उन वेगों को आप थोड़ा सा उन वेगों को धारण करिए, रोकिए। यदि आपने नहीं रोका तो और महत हानि करेंगे। तो इसीलिए वे उनकी वेगों की समाप्ति के लिए वो वेग हमको प्रताड़ित ना करे, वेग हमको पीड़ित ना करे, इसके लिए प्रतिदिन जप करना, चिंतन करना, साधना करना, ये सब जितने भी आध्यात्मिक आदि कर्मों में प्रवृत्त हो जाना, जिसकी भी आप उपासना करते हैं, जो भी आप साधना करते हैं, उस ओर प्रवृत्त हो जाना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह की यदि हम साधना में आध्यात्म में प्रवृत्त हो जाएंगे तो वो वेग आपको पीड़ित नहीं करेंगे, यानी वाणी के वेग, मन के वेग, शरीर के वेग आपको गलत कर्म की ओर कभी भी प्रवृत्त नहीं करेंगे। तो उन गलत कर्मों से बचने के लिए ही शास्त्र में कहा, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, यानी जो वेद हैं वो भी आचारहीन व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो उस पवित्रता को हम कैसे पाएं, उस पवित्रता की प्राप्ति कैसे करें, इसके लिए ही सारे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, दर्शन, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहाँ भी मन करे वहाँ जाते हैं, आप किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानते हैं, सबका सार यही है कि हमारे अंदर मनुष्यत्ता का जागरण हो, मानवता से हम देवत्व की ओर जाएं, जो दानवता के जो तत्व हैं उनकी परिसमाप्ति हो। इसीलिए यही आयुर्वेद कहता है कि पहले तो इन वेगों को आने ही मत दो, उनको आने से ही, विचलित करने से ही तुमको वो आकर के उद्वेलित करें, विचलित करें, परेशान करें, उससे पहले ही आप रोक लो। यदि आप फिर भी आ गए तो भी रोको, नहीं तो ये खतरनाक हैं, ये जा करके आपको कहीं ना कहीं ऐसे गर्त में डाल देंगे, ऐसे गड्ढे में डाल देंगे, जहाँ जा करके फिर जिंदगी भर पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कहा कि इन अविवेकपूर्ण जो वेग हैं उनकी होने वाली हानियों के विषय में आप चिंतन करिए, तो फिर आप तभी बच सकते हैं। उस हानियों के ऊपर चिंतन कर करके आपको ध्यान रखना कि आप स्वयं शांत रहेंगे तो इससे परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। इन्हीं क्रोध की वजह से, इन्हीं आवेगों की वजह से, इसी वाणी की वजह से हम तो शास्त्रों में जैसे पढ़ते हैं ना, कहते हैं कि महाभारत क्यों हुआ, कि बोला वो उन्होंने वाणी पर संयम नहीं किया, कहा कि ऐसे अंधों के अंधे ही होते हैं, यानी कि वाणी के एक छोटे से दोष से कितनी बड़ी हानि हुई। तो परिवार की शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो ध्यान रहे, थोड़ा शांत रहिए। आवेग है, उद्वेग है, क्रोध है, कोई भी विकार है, थोड़ी देर के लिए आप रुक करके रखिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही समाज में आदरणीय होता है। जैसे कहते हैं ना, वाणी एक बार निकल गई, जो तीर एक बार कमान से निकल गया, फिर वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, फिर तो तुमको परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी उसका परिणाम होगा वही आपको, उसी के प्रभाव को आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये धारणीय वेगों को, यानी कि इन वेगों को यदि आ भी जाए तो इनको थोड़ा नियंत्रण कर लेना। मेरे भाई, मैंने तो ना आए इसके उपाय बता दिए, पर आ जाए तो भी थोड़ा सा नियंत्रण कर लेना, नियंत्रण कर करके उत्तम आचरण कर लेना, क्योंकि जो उत्तम आचरण है वह कल्याणकारी है। इन वेगों के द्वारा जो कर्म किया जाएगा उसको उत्तम आचरण नहीं कहा जाता है, तो इसके आचरण के द्वारा ही
आप जीवन का जो लक्ष्य है ना, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमत्तम, धर्म अर्थ काम इसको कहा गया कि इसकी प्राप्ति के लिए उत्तम आरोग्य चाहिए, यह भी समझने की बात है। मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको धर्मार्थ काम की प्राप्ति चाहिए तो उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, यदि आपको उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो ये धर्म और अर्थ और काम का सही ढंग से पालन कीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य मिलेगा नहीं। तो यह एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है और आयुर्वेद आपको यही समझाता है। इसी को समझिए कि यदि आपको वास्तव में जीवन के सुख को पाना है तो आप धर्म अर्थ और काम का पालन करिए। धर्म का पालन करोगे तो उत्तम स्वास्थ्य होगा, उत्तम स्वास्थ्य होगा तो धर्म का पालन होगा। तो ये आप तय कर लीजिए, धर्म का आचरण नहीं करोगे तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो धर्म का आचरण भी कैसे करोगे। तो इसीलिए ये दोनों चीजें जरूरी है। इसलिए हमने आपको समझाया कि यह धारणीय वेग है, धारणीय अच्छे नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए पैदा ही मत होने दो, पर हो जाए तो मेरे भाई उसको थोड़ा सा सहन कर लो, बस इतनी ही बात है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमत्तमम, इसकी प्राप्ति के लिए इन वेगों को पैदा होने मत दीजिए, पैदा हो जाए तो धारण कर लीजिए, जिससे कि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, आप स्वस्थ और निरोग रह सकें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रसन्नता हो, आप समाज के लिए लाभकारी हो, समाज के लिए आप हानिकारक ना बने। इसलिए इन हानिकारक वेगों को आप लेकर के घूम लीजिए। भगवान नीलकंठ ने भी तो विष को गले में धारण किया था, तुम तो अपने विकारों को अपने पास ही रख लो तो अच्छा है, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। तो इस वेग को, धारणीय अधारणीय वेगों को आपने समझा होगा। आगे फिर और हम नई नई जानकारियां, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आयुर्वेद के अंदर इतनी गहन बातें, इतनी गहरी बातें इतनी सरल ढंग से बताई गई हैं। तो और जानकारी के साथ हम होंगे अगली कड़ी में आपके बीच में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ओम नमस्ते।